हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप सभी का स्वागत है। चलो लर्न करते हैं मैम। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ जिसमें है इवन नंबर और ऑड नंबर। अब भाई बच्चों को कैसे समझाएं कि इवन नंबर और ऑड नंबर क्या होते हैं। तो इवन नंबर का डिफिनेशन ये है कि अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई टू इज कॉल्ड इवन नंबर। हमें बच्चों को समझाना, तो हम ऐसे समझाएंगे कि जो भी नंबर टू से डिवाइड हो जाए उन्हें आपको इवन नंबर कहना है, या फिर उससे भी आसान शब्दों में जो भी नंबर टू के टेबल में आता है वो इवन नंबर कहलाता है। मतलब टू का टेबल में जो जो नंबर है वो इवन नंबर। जैसे एग्जांपल में 2, 4, 6, 8, यहाँ मैं टू का टेबल नहीं लिख रही हूँ, बस 12, 16। इसी तरह से मैंने बता दिया, टू का टेबल जो भी है, जो भी नंबर आया वो हो जाएगा। जैसे टू के टेबल में होता है ना 2, 4, 6, 8, फिर आता है 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16, ओके, फिर 18, फिर 20। तो ये सब टू के टेबल में हो जाएगा, तो ये इवन नंबर हो जाएगा जो भी टू के टेबल में आएगा। अब इसमें साथ ही साथ जीरो भी इंक्लूड रहता है इवन नंबर में, तो जीरो भी मैं लिख दूंगी। तो ठीक है, 0, 2, 4, जो भी टू के टेबल, हमें बच्चों को ऐसे ही समझाना है, ठीक है। अब ऑड नंबर क्या होते हैं? तो अ नंबर विच इज नॉट, बस इसमें नॉट लग जाएगा, वो टू से डिवाइड होगा इवन में और ऑड में टू से डिवाइड नहीं होगा। तो अ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई टू इज कॉल्ड, टू इज कॉल्ड ऑड नंबर। ओके, तो ये इवन नंबर में हो गया टू से डिवाइड, और ऑड नंबर में हो गया टू से नहीं डिवाइड, मतलब टू से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। यानी कि इवन नंबर जो नंबर नहीं है वो ऑड नंबर है। अब जैसे देखिए, एग्जांपल में मैंने लिख दिया है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। ये देखिए, ये जो है ये इसमें टू से डिवाइड होता है इवन नंबर में, बट ये नंबर टू से डिवाइड नहीं होता है, तो इसलिए तो ये ऑड नंबर है। ये टू से डिवाइड नहीं होगा तो ये ऑड नंबर हो जाएगा। तो चलिए अब हम नंबर्स लेते हैं। नंबर्स के द्वारा हम बच्चों को ऐसे सिखाएंगे, ओके। जैसे हमने कोई भी नंबर लिख दिया 15, 19, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 28, ओके। अब इसमें देखिए, 15 टू के टेबल में नहीं आ रहा है तो 15 इवन नंबर नहीं होगा, क्योंकि 15 नहीं आ रहा है। 19 भी टू के टेबल में नहीं आ रहा है तो 19 भी नहीं होगा। 16 तो टू के टेबल में आ रहा है, 2 8 जा 16। उसी तरह 18 भी टू के टेबल में आ रहा है, 2 9 जा 18, तो ये इवन नंबर होगा 16 भी और 18 भी। उसी तरह 20 भी हो रहा है, 2 10 जा 20, तो ये भी हो जाएगा टेबल में। 23 भी नहीं होगा, 25 भी नहीं होगा। अब हाँ, जो बड़े नंबर है, अब उन्हें बच्चे कैसे पहचाने कि ये इवन नंबर है, क्योंकि ये तो 2 10 जा 20, बस बच्चे तो इतना ही जानते हैं, तो वो कैसे जानेंगे कि ये इवन नंबर है। तो इसके लिए हमें बच्चों को समझाना होगा कि जिस भी नंबर के लास्ट में इवन नंबर हो, जैसे 28 है, ओके, और ये 8 है, इसके लास्ट में 8 है, तो ये 8 जो है वो 2 के टेबल में आ रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है 8। इसी में अलग लिखती हूँ, जैसे 28 है तो 8 डिवाइड हो रहा है 2 से, इसका मतलब 28 जो है वो इवन नंबर हो जाएगा। मतलब लास्ट में जो भी डिवाइड हो जाए 2 से वो इवन नंबर हो जाएगा, पूरा नंबर। अब उसी तरह जैसे 26 है, तो बच्चे इसे भी नहीं जान पाएंगे कि 26 इवन नंबर है कि ओड नंबर है। तो हमें बच्चों को बताना होगा कि बस लास्ट डिजिट देखो, ये जो लास्ट डिजिट है उसे देखो, ये 2 के टेबल में अगर आ रहा है, 2 से कट रहा है, तो पूरा नंबर 26 इवन नंबर हो जाएगा, और नहीं कट रहा है तो ओड नंबर हो जाएगा। तो उसी तरह 26 क्या है, 6 आ रहा है 2 के टेबल में, तो 26 हो जाएगा इवन नंबर। अब नेक्स्ट चलिए ओड नंबर चलते हैं। अब जैसे 33 है, तो इसमें 3 जो है वो ओड नंबर है, मतलब 33 में 3 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आ रहा है, तो इसलिए पूरा 33 जो हो जाएगा वो ओड नंबर हो जाएगा, इवन नंबर नहीं होगा, ठीक है। हमें बच्चे को इसी से समझाना है। इसी तरह 35 है, तो 5 भी 2 के टेबल में नहीं आ रहा है, तो इसी तरह 35 भी ओड नंबर हो जाएगा, क्योंकि 5 टू के टेबल में नहीं आ रहा है। इसी तरह अगर 3 नंबर हम लें, तो 253, इसमें भी 3 देखिए, लास्ट डिजिट 3 है जो कि 2 के टेबल में नहीं आ रहा है, तो 253 ऑड नंबर हो जाएगा। अब इसी तरह एक और नंबर ले लेते हैं, 346 है, इसमें 6 जो है वो 2 के टेबल में आ रहा है, तो 346 जो है वो क्या हो जाएगा,
इवन नंबर हो जाएगा क्योंकि 6 आ रहा है 2 के टेबल में, तो 346 हो जाएगा इवन नंबर। तो ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप बच्चों को इस तरह से समझाइएगा, आई होप वो अच्छे से समझ सकें, और आप उन्हें टेस्ट जरूर करिएगा कि उन्हें समझ में आया कि नहीं आया। उन्हें नंबर्स दे दीजिएगा, ठीक है, 2 डिजिट के नंबर, 3 डिजिट के नंबर्स दे दीजिएगा, और उन्हें इसी तरह देखिएगा कि वो इवन नंबर पहचानते हैं कि नहीं, ऑड नंबर पहचानते हैं कि नहीं। ओके, वीडियो मेरा पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपने नहीं किया है तो रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन है, उसे आपको प्रेस करना है, फिर बेल बटन भी प्रेस कर दीजिएगा, और बेल बटन प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पे ही क्लिक करिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आप लोगों तक तुरंत पहुँचे, क्योंकि मैं बच्चों के लिए ही वीडियोज़ लाती हूँ। ओके फिर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।